मूवी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिसमें से बड़े भाई का नाम सैम और छोटे भाई का नाम नेथन होता है। ये दोनों भाई किसी म्यूजियम में एक खजाने का नक्शा चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी गार्ड इन्हें देख लेते हैं और पकड़कर एक नन के पास ले जाते हैं, जिसने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। ये नन इन दोनों को ऊपर जाने के लिए कहती है। ऊपर पहुँच कर ये दोनों आपस में ये बात करने लगते हैं और सैम कहता है कि मुझे अब उस खजाने को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। नेथन भी उसके साथ चलने की करता है, लेकिन सैम उसे अपने साथ नहीं ले जाता और एक रिंग और लेटर देकर कहता है कि पापा कहते थे कि हम दोनों एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे। इसके बाद सैम जाने लगता है और जाते वक्त अपने भाई से कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। अब बहुत साल बीत जाते हैं और हमें नेथन दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है और एक बार में बारटेंडर की नौकरी करता है। साथ ही वो बार में आने वाले लोगों के साथ चोरी भी करता है। एक दिन बार में एक लड़की उसके पास आती है और लाइटर से सिगरेट जलाने को कहती है, लेकिन इस दौरान मौका पाकर नेथन उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। अब हमें विक्टर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो नेथन से उसका लाइटर खरीदने की बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइटर के बदले अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ, लेकिन नेथन साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद विक्टर यहाँ से चला जाता है। और जब नेथन अपनी जेब चेक करता है तो उसे वहाँ ब्रेसलेट की जगह विक्टर का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिसके बाद नेथन विक्टर के घर चला जाता है। विक्टर के घर पहुंचकर नेथन को बहुत सी चीजें दिखती हैं और वहां पर उसे एक खजाने का नक्शा भी दिखता है, जिसे बचपन में वो और उसका भाई म्यूजियम में चुराने के लिए गए थे। अब विक्टर भी आ जाता है और नेथन को बताता है कि 500 साल पुराने जहाजों में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और अगर तुम उस खजाने को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो हम दोनों मालामाल हो सकते हैं, लेकिन नेथन साफ साफ मना कर देता है। तो विक्टर कहता है कि तुम सैम के भाई हो, फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रहे हो, जिस पर नेथन पूछता है कि तुम सैम को कैसे जानते हो। तो विक्टर बताता है कि सैम मेरा दोस्त है, जिसके साथ मिलकर मैं इस खजाने को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात काफी समय से नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं जानता कि सैम कहाँ पर है। तुम खजाने के साथ साथ अपने भाई को भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद नेथन यहाँ से चला जाता है और घर पहुँच कर वो अपने भाई के लेटर्स पढ़ने लगता है और अपने भाई द्वारा दी गए रिंग को गले में पहन लेता है और विक्टर को फोन करके बताता है कि वो इस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार है। अगले दिन नेथन और विक्टर मिलते हैं तो विक्टर बताता है कि हमें उस खजाने तक पहुंचने के लिए दो चाबियों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से एक चाबी की नीलामी होने जा रही है, तो हमें उस नीलामी में से चाबी को चुराना है। अभी दोनों उस नीलामी में पहुंच जाते हैं, जहां हमें सैंटियागो मोनकैडा नाम के एक इंसान भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर था और वो कितनी भी कीमत देकर इस चाबी को खरीदने वाला था, क्योंकि वो भी इसी खजाने के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन ये दोनों इस चाबी को चोरी करने के लिए आए थे, इसलिए नेथन इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे मोनकैडा का आदमी रोक लेता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान नेथन नीलामी में आकर गिरता है और यहाँ भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर विक्टर अपने कोट को उल्टा करके यहाँ के स्टाफ में मिल जाता है और आसानी से चाबी चुरा कर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। एक कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर विक्टर नेथन को नक्शे की किताब दिखाता है, जिसे देखकर नेथन बताता है कि हमें एक पेड़ के आकार वाली जगह पर पहुंचना है। तो विक्टर कहता है कि इससे पहले हमें दूसरी चाबी भी लेनी होगी और मैं जानता हूं कि दूसरी चाबी कहां पर है। इसके बाद ये दोनों बार्सिलोना पहुंचकर एक लड़की से मिलते हैं, जिसका नाम क्लोई होता है। इस लड़की के पास दूसरी चाबी होती है। ये दोनों उसे बताते हैं कि हमने पहली चाबी तो जैसे तैसे करके चुरा ली है और हमें दूसरी चाबी की जरूरत है, लेकिन ये लड़की दूसरी चाबी देने से मना कर देती है और उल्टा इनकी पहली चाबी चुरा कर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन नेथन जैसे तैसे करके इस लड़की को रोक लेता है और कहता है कि हमारे पास नक्शा है और तुम्हारे पास चाबियां, अगर हम दोनों एक साथ मिलकर खजाने को ढूंढे तो आसानी से खजाने तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद क्लोई भी नेथन की बात मान जाती है और इनके साथ मिल जाती है, जिसके बाद ये लोग नक्शे की मदद से एक चर्च में पहुंचते हैं। और दूसरी ओर हमें मोनकैडा दिखाया जाता है, जिसका बाप बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे में अपनी सारी दौलत को दान करना चाहता है, लेकिन मोनकैडा अपनी दौलत को इस तरह से दान में जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो ब्रैडॉक नाम की एक लड़की को अपने बाप की सुपारी देता है। साथ ही ब्रैडॉक से विक्टर और नेथन का पीछा करके कैसे भी खजाने तक पहुंचने के लिए कहता है। अब हमें विक्टर, नेथन और क्लोई दिखाए जाते हैं, जो चर्च में पहुंचकर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी नेथन वहां लगे फोटोज में से
पोस्ट कार्ड निकालता है और उनमें से क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और उस दरवाजे का रास्ता मिल जाता है। अब ये लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो नेथन कहता है कि उस खजाने के नक्शे के बुक में लिखा हुआ था कि यहाँ से दो साथियों में से एक साथी नर्क में जाएगा और दूसरा साथी स्वर्ग में, यानी कि अब हमें अलग अलग होना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग चाबी लगाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी नेथन एक उल्टी स्टैचू को सीधा करता है और इन्हें की होल्स नजर आते हैं, जिसके बाद विक्टर नक्शे की बुक में पढ़कर बताता है कि अब हमें चाबियों को इन की होल्स में एक साथ लगाना होगा। लेकिन जैसे ये दोनों ऐसा करते हैं तो अचानक तीर निकलते हैं, लेकिन ये सब बच जाते हैं और दोबारा चाबी को घुमाते हैं तो एक दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद नेथन और क्लोई नीचे जाने लगते हैं और विक्टर ऊपर की ओर, लेकिन जाने से पहले नेथन सभी की लोकेशन एक साथ जोड़ देता है ताकि इन लोगों को पता चलता रहे कि कौन कहां पर है। इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी ओर यहां पर ब्रेडॉग भी इन लोगों का पीछा करते हुए आ जाती है। अब नेथन और क्लोई एक जाली को तोड़ते हुए डिस्को में पहुंचते हैं जहां पर लिखा होता है इन्फर्नो, जिसका मतलब नर्क होता है। लेकिन तभी इन लोगों को मोनकैडा के लोग देख लेते हैं जिनका पीछा करते हुए यहां पर आए थे। अब नेथन मोनकैडा के लोगों से फाइट करने लगता है और क्लोई चाबी लगाने की जगह ढूंढने लगती है और तभी उसे एक जगह दिखती है जहां पर की होल होता है और जैसे ही वो उस की होल में चाबी लगाती है तो एक दरवाजा खुलता है और तुरंत नेथन और क्लोई दरवाजे में चले जाते हैं। जैसे ये दोनों उस दरवाजे में जाते हैं, ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब नेथन और क्लोई एक चेम्बर में फंस चुके थे जो एक बड़े से फाउंटेन के नीचे था। अभी लोग यहाँ पर चाबी लगाते हैं, पर जैसे ये लोग चाबी लगाते हैं तो फाउंटेन बहना बंद हो जाता है और उसका सारा का सारा पानी इस चेम्बर में भरने लगता है। इसके बाद नेथन कहता है कि अब हमें विक्टर ही बचा सकता है। उधर विक्टर चाबी लगाकर इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ब्रेडॉक यहाँ पर आ जाती है और विक्टर और ब्रेडॉक के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन विक्टर ब्रेडॉक को हराकर उस चाबी को लगा देता है, जिससे नेथन और क्लोई उस चेम्बर से निकलकर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक की होल दिखता है। लेकिन जैसे ही अपनी चाबी उस की होल में लगाते हैं तो वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी ऊपर से विक्टर भी आ जाता है और नक्शे की बुक को पढ़कर कहता है कि इस की होल में दोनों चाबी एक साथ मिलकर लगेंगी और विक्टर अपने पास रखी चाबी भी इन दोनों को दे देता है। और जैसे ये दोनों चाबियों को मिलाकर इस की होल्स में लगाते हैं तो एक और दरवाजा खुल जाता है और अब ये एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां इन दोनों को बहुत बड़े बड़े बर्तन दिखाई देते हैं। इन्हें लगता है कि इसमें खजाना भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही क्लोई इन बर्तनों को खोलती है तो इनमें बहुत सारा नमक भरा हुआ होता है और अचानक से ये बर्तन टूट जाते हैं और सारा का सारा नमक फैल जाता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा निराश होते हैं। लेकिन तभी नेथन को यहाँ पर बार्सिलोना का एक नक्शा मिलता है जिसमें खजाने की जगह भी मेंशन थी। लेकिन तभी क्लोई नेथन पर गन तान देती है और कहती है कि तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। और वो नेथन को बेहोश करके उस नक्शे और दोनों चाबियों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और कुछ देर बीतने के बाद यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। नेथन विक्टर से सैम के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था, तुम्हें आज ये बात खुलकर बतानी होगी। जिसके बाद विक्टर बताता है कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, हम दोनों नक्शे की डायरी को लेने के लिए एक मकबरे में गए हुए थे, लेकिन तभी हम लोगों पर मोनकैडा के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हम दोनों बचकर भागने लगे, लेकिन इस दौरान तुम्हारा भाई सैम मारा गया और जैसे तैसे करके वहां से मैं बच गया। जिसके बाद नेथन विक्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और यहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विक्टर नेथन से रिक्वेस्ट करता है कि वो खजाने को ढूंढने में उसका साथ दे और काफी रिक्वेस्ट के बाद नेथन मान जाता है। दूसरी ओर अब हमें क्लोई दिखाई जाती है जो मोनकैडा के पास पहुंचती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लोई हमेशा से ही मोनकैडा के साथ मिली हुई थी। अब मोनकैडा एक प्लेन से जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी ओर हमें विक्टर और नेथन दिखाए जाते हैं जो मोनकैडा पर नजर रख रहे थे। अब प्लेन में मोनकैडा अपनी सक्सेस का जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी ब्रेडॉक उसका गला काट देती है और अपने लोगों से क्लोई को भी मारने के लिए कहती है, लेकिन क्लोई यहाँ पर छुप जाती है। और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर विक्टर और नेथन भी आए हुए हैं जो कार में छुपकर यहाँ पर आए थे। विक्टर नक्शा और पैराशूट लेकर हवाई जहाज से कूद जाता है, लेकिन नेथन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ब्रेडॉक से फाइट करने लगता है और तभी प्लेन से सभी कार्गो नीचे गिरने लगते हैं और नेथन भी इन कार्गो के साथ नीचे गिरने लगता है और इसी दौरान क्लोई भी नीचे गिरने लगती है और बड़ी मुश्किल से नेथन और क्लोई एक कार्गो का पैराशूट खोलकर बच जाते हैं और जैसे तैसे करके एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। इसके बाद नेथन और क्लोई एक
एक कमरा बुक करते हैं और वहाँ पर क्लूज को ढूंढने लगते हैं। और तभी नेथन अपने भाई के लेटर को देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। पर आग से उस लेटर पर देखने से उसे खजाने का सही रास्ता मिल जाता है, लेकिन उसे क्लोई पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो एक कागज पर गलत जगह का पता लिख कर सो जाता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि क्लोई उस कागज को लेकर निकल चुकी है। इसके बाद नेथन अपनी बोट से सही खजाने की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर दो बड़े बड़े शिप्स थे जिनमें खजाना भरा हुआ था। और तभी कुछ देर बाद यहां पर विक्टर भी आ जाता है और यहां दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इनका पीछा करते हुए ब्रैडॉक भी यहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये दोनों छिप जाते हैं और ब्रैडॉक बड़े बड़े हेलीकॉप्टर की मदद से इन शिप्स को ले जाने लगती है। और तभी विक्टर और नेथन ब्रैडॉक से लड़ाई करने लगते हैं और यहाँ पर हमें एक बहुत ही तगड़ा फाइट सीन देखने को मिलता है। अब मौका मिलते ही विक्टर एक हेलीकॉप्टर को खुद उड़ाने लगता है और नेथन ब्रैडॉक से लड़ाई करता रहता है। अब जिस हेलीकॉप्टर को विक्टर उड़ा रहा होता है उसमें नेथन भी आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडॉक उसे रोके हुए होती है, जिसके बाद मजबूरी में विक्टर को खजाने का एक बैग ब्रैडॉक के ऊपर मारना पड़ता है, जिसके बाद वो समुद्र में गिर जाती है और वो शिप भी उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद नेथन और विक्टर एक हेलीकॉप्टर पर आ जाते हैं। नेथन कहता है कि अभी हम इस खजाने को पा सकते हैं, लेकिन विक्टर मना कर देता है। तभी नेथन अपनी जेब से कुछ सोना निकालता है और कहता है कि मैंने पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत सोना अपनी जेब में रख लिया था। इसके बाद हमें जेल में नेथन का भाई सैम दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था और एक लेटर लिख रहा था। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। आशा है आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।